Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 7 of Introduction to Topology. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर. आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर ऑफ अ सेट, एग्जांपल्स एंड थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे. What is an exterior point of a set? Exterior point of a set क्या होता है? Let X top be our topological space. यहाँ पर जो X with respect to top है, ये एक topological space है. And A be a subset of set X. और जो A है वो सबसेट ऑफ सेट एक्स है. यहां पर ए क्या है? सबसेट ऑफ सेट एक्स. देन अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स. पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू सच दैट एक्स belongs to U, यानी हमें एक ऐसा ओपन सेट मिले. तो आपको पता है कि ओपन सेट किस से बिलोंग करेंगे? टॉ से. इस टॉ से बिलोंग करें या आप जो टॉ डिफाइन करेंगे किसी भी सेट X पर, तो हम किसी भी पॉइंट X को जो कि सेट X से बिलोंग करता है, इसको हम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए उस वक्त कहेंगे जब हमें एक ऐसा ओपन सेट मिले यू, यानी हमें एक ऐसा ओपन सेट यू एक्स मिले. यहां पर लिख लेते हैं यू एक्स. ऐसा ओपन सेट जो के उस पॉइंट को कंटेन करे, जो भी हम पॉइंट लेंगे सेट एक्स से. और ये ओपन सेट जो यू एक्स है, ये बिलोंग करना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट से. या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यू एक्स सबसेट हो इसका ए कॉम्प्लीमेंट हो. तो सबसेट होने का मतलब ही यही है कि जो यू एक्स है वो ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, ए बी आर सबसेट ऑफ आर topological space X. A point X belongs to A complement is said to be an exterior point of A if there exists an open set U which contains X such that U is belongs to A complement. So, yahan par iski ye second definition hai. इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट. तो पहले आप कोई सबसेट ए लेंगे, ये सबसेट ऑफ सेट एक्स होगा. फिर आप इस ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. ये स्टूडेंट्स क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा. ये किस तरह होगा? यानी एक्स माइनस ए करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगी. देन एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इज सेड टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए. तो आप क्या लेंगे? कोई एक्स लेंगे जो कि ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा. तो इस एक्स को हम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए उस वक्त कहेंगे जब हमें एक ओपन सेट U मिलेगा जो कि X को कंटेन करेगा. यानी U एक ओपन सेट होगा जो X को कंटेन कर रहा होगा. ये स्टूडेंट किससे बिलोंग करेगा? टॉ से बिलोंग करेगा. सच दैट U इज बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट. तो अगर ये U X स्टूडेंट्स एक कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर जाता है,
या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यू एक्स इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, देन एक्स इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट ए। तो हम एक्स को क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट ए कहेंगे। तो ये डेफिनेशन है एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट की। तो यहां पर स्टूडेंट्स एक हमें डायग्राम दिखाई गई है, तो इस डायग्राम में ये क्या है स्टूडेंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स हैं, ये क्या है इंटीरियर पॉइंट्स हैं, और ये जो y है स्टूडेंट्स ये बाउंड्री पॉइंट है। नी द पॉइंट x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट S, ठीक है, ये कोई यहां पर सेट S डिफाइन है, ये जो फिगर है इसको हमने सेट S कहा है। जो यहां पर ये x है स्टूडेंट्स ये इसका इंटीरियर पॉइंट है, एंड पॉइंट y इज द बाउंड्री ऑफ सेट S, और ये जो पॉइंट y है ये इस सेट की बाउंड्री पॉइंट्स है या इसका सेट का बाउंड्री पॉइंट है। तो ऐसे पॉइंट्स जो ना ही इंटीरियर हों और ना ही बाउंड्री हों, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह भी आप इस डेफिनेशन को याद रख सकते हैं, लेकिन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट चेक करने के लिए आपको ये डेफिनेशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो फिजिकली हम स्टूडेंट्स यहां पर क्या कहते हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो कि ना ही इंटीरियर हो और ना ही बाउंड्री पॉइंट्स हो, तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स होते हैं। तो एक्सटीरियर पॉइंट स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये कोई हम जेड ले लेते हैं, इसके ऊपर मैं एक ओपन सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। तो अब ये जो यहां पर मैंने ये जेड पॉइंट डिफाइन किया है, अब ये स्टूडेंट्स क्या है, ना ही इंटीरियर पॉइंट है ये वाला जेड, इस जेड को जो यहां पर ये डॉटेड सर्कल से डिनोट किया है, ये ना ही इंटीरियर पॉइंट है और ना ही ये बाउंड्री पॉइंट है। तो ये पॉइंट अब जेड क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट होगा इस सेट एस का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिजिकली इस डेफिनेशन का यही मतलब होता है। तो अगर आपने एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट फाइंड करने हो, देन आप स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन फॉलो करें। तो इसके हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे कि हम एक्सटीरियर पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। यहां पर एक और डेफिनेशन है एक्सटीरियर पॉइंट की, वही जो हमने प्रीवियस डिस्कस की है, थोड़ी सी यही वही हमने इसको मॉडिफाई कर दिया कि लेट एक्स टॉप बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी सबसेट ऑफ सेट एक्स, और ए हमने क्या लिया, ये सबसेट ऑफ सेट एक्स लिया। अ पॉइंट बी बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, पहले आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड करने के लिए आप जो भी सबसेट लेंगे ए, उसको पहले आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। पहले आप क्या लेंगे, कोई सेट ए लेंगे सबसेट ऑफ सेट एक्स, देन आप उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट आप लेंगे स्टूडेंट्स सेट एक्स से, ठीक है, आप जो भी सेट एक्स डिफाइन करेंगे सारे के सारे पॉइंट्स जो हमने लेने हैं वो इसी सेट एक्स से लेने हैं, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट बी है, ये सेट एक्स का एलिमेंट है। तो अ पॉइंट बी बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए, तो हम इस पॉइंट को बी को एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए उस वक्त कहेंगे इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट यू बी। अब यू बी क्या है स्टूडेंट्स, ओपन सेट कंटेनिंग बी, यानी एक ऐसा ओपन सेट जो बी को कंटेन कर रहा है, और हमें पता है कि जो यू बी होगा ये किससे बिलोंग करेगा, टॉस से बिलोंग करेगा, ये आपने याद रखना।
जो यू भी होगा स्टूडेंट्स ओपन सेट कंटेनिंग भी, ये उस टॉस से बिलोंग करेगा जो कि आप सेट एक्स पर डिफाइन करेंगे। सच दैट यू बी इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर यू बी सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है देन बी इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए। हम बी को क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट ए कहेंगे। तो इस तरह भी हम ये याद रख सकते हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं फाइंड, कि हम जो हम ए कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं स्टूडेंट्स उसके हम इंटीरियर फाइंड कर रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट्स। और ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट्स एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए होते हैं, यानी एक्सटीरियर पॉइंट, जो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए होगा इसको हम इस तरह लिखते हैं ई एक्स टी, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ये स्टूडेंट्स क्या होगा, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। तो हम इंटीरियर ऑफ अ सेट को स्टूडेंट किस तरह डिनोट करते हैं, इस नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए होगा वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, उस ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उसके आप इंटीरियर पॉइंट फाइंड करेंगे, तो वो इंटीरियर पॉइंट्स एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम आगे एग्जांपल से देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो उसने आपने याद रखना है कि जो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए होंगे वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो हमने ये इंटीरियर पॉइंट वाला लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 डिस्कस किया था, तो उसको आप स्टडी कर लें, फिर आपको इंशाल्लाह ये इंटीरियर पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हम एक्सटीरियर पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए ये क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अब एक्सटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है, लेट एक्स टॉप बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी सबसेट ऑफ सेट एक्स, देन एक्सटीरियर ऑफ ए, ठीक है, डिनोटेड बाय ई एक्स टी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम एक्सटीरियर ऑफ अ सेट को किस तरह डिनोट करते हैं, ई एक्स टी ए से, इज द इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब जो एक्सटीरियर ऑफ अ सेट होगा यानी आप जो ये सेट ले रहे हैं सबसेट ए, अब इसका एक्सटीरियर क्या होगा कि इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या स्टूडेंट्स, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, कि आप क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के तमाम इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे, तो उन पॉइंट्स का सेट किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है एक्सटीरियर ऑफ अ सेट ए की। ठीक है, जो भी आप सब सेट लेंगे तो ये उसकी एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है। तो एक्सटीरियर ऑफ ए इज द इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपने याद रखना है कि पहले आप हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद उस ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे, तो उन पॉइंट्स का कलेक्शन वो हमारे पास क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ सेट ए होगा। तो आगे हम एग्जांपल देखते हैं, यहां पर मैंने सेट एक्स ये डिफाइन कर लिया, सेट एक्स में ए बी सी डी ये पॉइंट्स हैं एंड इस सेट एक्स पर ये मैंने टॉर डिफाइन कर लिया टोपोलॉजी। तो इसमें कौन से ओपन सेट्स हैं, एक फाई है, एक सेट ए है, सेट बी है, सेट ए बी है, सेट ए बी सी है और सेट एक्स है। ठीक है, बी टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स, तो ये सेट एक्स पर हमने टोपोलॉजी डिफाइन कर ली है। तो यहां पर मैं कोई सबसेट ले रहा हूं सेट एक्स का, तो इसको मैंने नाम दिया है ए का, ए इज द सबसेट ऑफ सेट एक्स। ठीक है, अब एक्सटीरियर ऑफ अ सेट ए इज द इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट,
ये यहां पर आता है स्टूडेंट्स बी सेटअप, यानी एक्सटीरियर ऑफ ए सेट क्या आता है, बी आता है। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये कैसे बी आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पहले क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपने याद रखना है। हमने क्या फाइंड करना है पहले, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स माइनस ए, ये हमने ए लिया था, सबसेट ऑफ सेट एक्स लिया था। तो ये आता है स्टूडेंट, देखें ए बी सी डी, ये सेट एक्स था, माइनस ए सी, तो यहां पर क्या आता है बी डी, तो ये क्या आता है ए कॉम्प्लीमेंट बी डी आता है। तो अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि इस ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट्स, तो देन इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट वो क्या आता है हमारे पास, हमने चेक करना है कि वो हमारे पास क्या आता है। तो इसका सिर्फ सेट बी ही आएगा इंटीरियर पॉइंट, बाकी जो जो भी सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं यानी ए बी ए सी डी, ये इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होंगे, सिर्फ यहां पर बी क्या होगा, इसका इंटीरियर पॉइंट होगा इसका ए कॉम्प्लीमेंट का। तो हम चेक करते हैं, यहां पर पहले हम ए को चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जब आप इंटीरियर पॉइंट फाइंड करना चाहें तो उस वक्त आपने सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको आपने चेक करना है, किसी एक को चेक नहीं करना। आपने जो भी सेट एक्स डिफाइन करेंगे उसके तमाम एलिमेंट्स को आप चेक करेंगे। अगर आप तमाम एलिमेंट्स को चेक करेंगे देन आप जाके ये फाइंड कर पाएंगे। अगर आप कोई एक दो चेक कर लेते हैं तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने जो भी सेट एक्स डिफाइन किया हो उसके तमाम एलिमेंट्स को चेक करना है। अब हम पहले ए को चेक करते हैं। तो ए इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बिकॉज यहां पर एक ऐसा हमें ओपन सेट मिल रहा है जो ए को कंटेन कर रहा है। देखें यहां पर टोपोलॉजी में यहां पर हमें ए मिल रहा है, ये ए। तो हमने जब इंटीरियर पॉइंट की बात करते थे तो हम कहते थे कि हमें कोई ऐसा ओपन सेट मिले, ठीक है स्टूडेंट्स, एक ऐसा ओपन सेट मिले जो क्या हो कि इस, अब यहां पर जो ए कॉम्प्लीमेंट है इसका सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो ए इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बिकॉज देयर एग्जिस्ट यू ए, यानी जब हम इंटीरियर पॉइंट की बात करते थे तो उस वक्त जो भी हमें ओपन सेट मिले इस टोपोलॉजी में से जो इस पॉइंट को कंटेन करे वो सारे के सारे इस सेट ए के सबसेट होने चाहिए थे। ठीक है, जब आप इंटीरियर पॉइंट की बात जब हमने की थी प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, तो हमने ये कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक्स बिलोंग्स टू सेट एक्स है, अगर ये इंटीरियर पॉइंट है, अगर हम कोई भी सबसेट ए डिफाइन कर लेते हैं सेट एक्स का, तो अब इस एक्स को हम इंटीरियर ऑफ ए कब कहते थे कि जब हमें एक यू एक्स मिले, जो भी यू एक्स मिले, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें एक ऐसा यू एक्स मिले जो सबसेट हो किसका, इस सेट ए का, देन दिस एक्स इज एन इंटीरियर ऑफ ए। उस वक्त हम कहते थे कि जो ये एक्स है ये सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है। तो यहां पर हमें एक ऐसा ये ए मिल रहा है, ठीक है, यू ए, जो कि ए को कंटेन कर रहा है, लेकिन ये सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, ये सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है। देखें यहां पर ए है तो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, यहां पर बी डी आता है, तो ए इस सेट बी डी में कंटेन नहीं कर रहा। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एक्सटीरियर ऑफ अ सेट की, उस वक्त ये हमने देखा था कि अगर ये सबसेट नहीं होता, यानी
जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, यू यानी अब ये जो ए है, अब देखें ए तो यू से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन यू डज नॉट बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट, देन दिस ए इज नॉट एन एक्सटीरियर पॉइंट, तो ये अब एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो मीन यहां पर ये जो ए है ये इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट नहीं है, अब हम बी को चेक करते हैं कि क्या बी भी इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। तो देखें बी इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट, ठीक है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट यू बी, तो हमें एक कोई ऐसा यू बी एग्जिस्ट कर रहा है, ये बी देखें, अब ये बी यहां पर अगर आप चेक करें टोपोलॉजी में तो ये एक हमें बी मिल रहा है, ठीक है, जो कि इस ए कंप्लीमेंट का सबसेट है। तो हमें कोई ऐसा मिलना चाहिए लाजमी तौर पर कि हमें एक ऐसा ओपन सेट मिले जो उस सेट ए का, अब यहां पर तो ए कंप्लीमेंट है, तो अब ए कंप्लीमेंट का ये जो बी है स्टूडेंट्स ये सबसेट है, यानी जो बी है वो इस कंप्लीमेंट के अंदर कंटेन कर रहा है। तो बी अब यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट। फिर हम सी को चेक कर लेते हैं, तो सी इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट। इसकी वजह क्या है कि यहां पर हमें एक ऐसा यू सी मिल रहा है ओपन सेट विच कंटेन सी विच इज नॉट द सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। अब ये जो यू सी है स्टूडेंट्स जिसने सी को कंटेन किया हुआ है ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ये ए कंप्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो अगर ये ओपन इंटरवल ओपन सेट अगर ये ए कंप्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा तो सी इज नॉट द एक्सटीरियर पॉइंट। तो यहां पर देख ले जो सी है अब ये एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हम चेक कर लिया कि सी इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट, अगर ये इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट नहीं है तो दिस इज नॉट द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ये ए का एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा सी, ठीक है। इस तरह हम डी को चेक कर लेते हैं, इसका लास्ट एलिमेंट, तो डी इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट बिकॉज देयर एग्जिस्ट यू डी ओपन सेट कंटेनिंग डी। अब ये हमें सेट सिर्फ एक्स मिल रहा है, एक ऐसा सेट हमें एक्स मिला है जिसने डी को कंटेन किया हुआ है विच इज नॉट द सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। अब देखें अब जो सेट एक्स था अब ये क्या था, मतलब स्टूडेंट्स ये था ए बी सी और डी। अब ये जो सेट एक्स है ये डज नॉट सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट, तो ये ए कंप्लीमेंट का सबसेट नहीं है। तो मीन जब डी क्या होगा, ये इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट नहीं होगा। तो फाइनली अब एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होगा स्टूडेंट्स, ए कंप्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट्स वो सिर्फ हमें क्या मिला है, बी मिला है। तो सिर्फ बी ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इस ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है। तो ए कंप्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट क्या होंगे, एक्सटीरियर ऑफ ए होंगे, ए के ये क्या होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट होंगे, ठीक। आई होप आपको ये डेफिनेशन और विद एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। तो हम एक और एग्जांपल भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने एक और सबसेट लिया है, यहां पर बी लिया है। अब ये बी सबसेट है किसका, सेट एक्स का। देन एक्सटीरियर ऑफ बी यानी क्या होगा, बी कंप्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट्स होंगे।
तो ये यहां पर हमें सिर्फ ए मिल रहा है, ठीक है। अब जो जो ए सेट है या कह लें ए पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो बी कंप्लीमेंट का इंटीरियर है, ठीक है। बाकी यहां पर जो भी सेट एक्स के एलिमेंट थे, सेट एक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स थे स्टूडेंट्स, वो हमारे पास थे ए बी सी डी, ठीक है, यानी ए बी ये सी और ये डी। तो हमें सिर्फ ये ए ही एक ऐसा एलिमेंट मिला जो बी कंप्लीमेंट का इंटीरियर था, अदरवाइज जो बी और सी और डी ये इस बी कंप्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट्स नहीं थे। तो एक्सटीरियर ऑफ बी क्या होगा, सिर्फ ए सेट हो। तो इसको चेक करते हैं, पहले हमें ये बी गिवन था, तो पहले हम क्या करते थे कि बी का कंप्लीमेंट फाइंड करते थे। तो बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, ये सेट एक्स है, एक्स माइनस ये हमने बी कर लिया। तो अब इस सेट एक्स में से जब आप बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेट ए सी डी सेट आएगा, ठीक। अब इस सेट ए सी डी इसको हमने कहा है अब बी कंप्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे कि बी कंप्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे ए को, क्या ये ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट है या सॉरी बी कंप्लीमेंट है या नहीं है। तो ए बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी कंप्लीमेंट बिकॉज देयर एग्जिस्ट यू बी सॉरी यू ए एक ऐसा ओपन सेट जिसने ए को कंटेन किया हुआ है। अब ये हमें ए सेट मिला है, ठीक है। ये ए सेट स्टूडेंट्स कहां से, ये नहीं यू ए कहां से बिलोंग कर रहे हैं, टॉस से बिलोंग कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है। जो हमने टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है, ये यू ए एक ऐसा ओपन सेट जिसने ए को कंटेन किया हुआ है, ये इस टॉस से बिलोंग कर रहे हैं जो कि आपने प्रीवियस स्लाइड पर डिफाइन की हुई है। तो ये अब बी कंप्लीमेंट का सबसेट है। बी कंप्लीमेंट का क्या आया हमारे पास, ए सी डी आया है। तो आप देख सकते हैं कि जो ए है ये इस ए सी डी सेट में कंटेन कर, तो ए हमारे पास क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी कंप्लीमेंट। अब हम बी को चेक कर लेते हैं, तो बी इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी कंप्लीमेंट बिकॉज देयर एग्जिस्ट यू बी। तो हमें एक ऐसा यू बी मिल रहा है, एक ओपन सेट जिसने बी को कंटेन किया हुआ है, और ये इस बी कंप्लीमेंट का सबसेट नहीं है। देखने आप, अब ये बी है स्टूडेंट्स, ये इस सेट में कंटेन नहीं कर रहा। अगर ये इस सेट में कंटेन नहीं कर रहा तो ये इस सेट का सबसेट नहीं होगा। अगर सबसेट नहीं है तो बी इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी कंप्लीमेंट, तो ये बी कंप्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इस तरह हम सी को चेक कर लेते हैं, तो सी इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी कंप्लीमेंट बिकॉज हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल रहा है जिसने यू यानी यू सी ऐसा ओपन सेट जिसने सी को कंटेन किया हुआ है। देखें ये ओपन सेट हमें ये मिला है, तो स्टूडेंट्स ये सेट कहां से बिलोंग हमें कर रहा है, टॉस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये हमें टॉस एक ऐसा ओपन सेट मिला है जिसने सी को कंटेन किया हुआ है, लेकिन ये इस सेट का सबसेट नहीं है, यानी ये टोटली इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर तो ए और सी तो है लेकिन बी नहीं है। अगर कोई एक एलिमेंट भी इस सेट में अगर कंटेन नहीं कर रहा तो ये टोटल सेट इस सेट के अंदर कंटेन नहीं करेगा। तो अब सी भी इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी कंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब चेक करते हैं डी को, तो डी ऑल्सो नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी कंप्लीमेंट। तो हमें अब एक ऐसा सेट मिलेगा यू डी। तो फॉर एग्जांपल ये सेट हम रख लेते हैं, सेट एक्स रख लेते हैं, तो एक्स में भी डी पॉइंट है। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो एक्स है ये डज नॉट द सबसेट ऑफ बी कंप्लीमेंट। एक्स बी के अंदर कंटेन नहीं कर रहा, या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। एक्स क्या है,
बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करना। तो डी बी हमारे पास क्या हुआ कि ये इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ना हुआ। तो अब एक्सटीरियर ऑफ बी क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये इंटीरियर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो इंटीरियर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट सिर्फ हमारे पास सेट ए आता है। तो इस तरह आप स्टूडेंट्स कोई भी सेट, किसी भी सेट के लिए आप टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे और उसके आप कोई भी सबसेट लेंगे तो आप इस तरह उसका एक्सटीरियर चेक कर सकते हैं इस प्रोसेस से। तो आपने जो भी सेट एक्स डिफाइन करेंगे उसके आपने सारे एलिमेंट्स चेक करने हैं, ठीक है, उन तमाम एलिमेंट्स को आपने चेक करना है। ये नहीं कि आप एक दो चेक कर लें और बाकी छोड़ दें, तो वो आपका प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा। तो इस कंप्लीट प्रोसेस के लिए आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स चेक करने पड़ेंगे। तो लास्ट में हम एक थ्योरम है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या इसको आप रिमार्क कह लें। तो ये इंपॉर्टेंट रिमार्क क्या है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ आर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, अगर ए क्या है सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, देन एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होगा, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यही हम स्टूडेंट्स अब पढ़ रहे थे कि जो एक्सटीरियर ऑफ ए होता है वो हमारे पास क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, ऊपर आप एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं, ठीक है। तो ये होता है इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। एक ये डेफिनेशन थी यहाँ पर हम जो प्रीवियस डिस्कस कर रहे थे, और इसके अलावा एक से अलावा एक और यहाँ पर है कि एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी जब आप ए कॉम्प्लीमेंट के एक्सटीरियर फाइंड करेंगे तो वो क्या होंगे, इंटीरियर ऑफ ए होंगे। ठीक है, जब आप ए कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है, इसके जब आप एक्सटीरियर फाइंड करेंगे, ठीक है, जो भी इसके एक्सटीरियर आएंगे वो सेट ए के इंटीरियर होंगे। ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे, इंटीरियर ऑफ सेट ए। तो इसको स्टूडेंट्स आप चेक भी कर सकते हैं, कोई आप टोपोलॉजी डिफाइन कर लें, कोई सेट एक्स डिफाइन कर लें, तो कोई आप ये सबसेट ले लें, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड पॉइंट है यहां पर, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, देन एक्सटीरियर ऑफ ए, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पॉइंट्स आते हैं। थर्ड पॉइंट है, इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स एक्सटीरियर ऑफ फाई इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अभी आपने याद रखना है, ये पॉइंट है कि एक्सटीरियर ऑफ फाई किसके इक्वल होता है, जब आप एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड करते हैं फाई के खाली सेट के, तो ये किसके इक्वल आता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आता है इंटीरियर ऑफ एक्स। ठीक है, जो भी सेट एक्स होगा ये उसके इंटीरियर के इक्वल आएगा, ये एक्सटीरियर ऑफ फाई। यहां पर एक और रिजल्ट है कि एक्सटीरियर ऑफ फाई इज इंटीरियर ऑफ सेट एक्स। ठीक है, यानी अगर आप एक्सटीरियर ऑफ फाई फाइंड करेंगे, एक्सटीरियर ऑफ फाई, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये होगा इंटीरियर ऑफ सेट एक्स के। ठीक है, यहां पर अगर आप एक्स की जगह फाई रख लें, एक्सटीरियर ऑफ फाई इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ फाई। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ सेट एक्स इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ फाई। फोर्थ पॉइंट है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, देन एक्सटीरियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो भी आप एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड करेंगे वो कॉम्प्लीमेंट होंगे, यानी सबसेट होंगे ए कॉम्प्लीमेंट का, और एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट
ठीक है, ये सब सेट होगा किसका, ए का। ये इसका फोर्थ रिजल्ट था और यहां पर लास्ट और फिफ्थ रिजल्ट है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स देन एक्सटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक है, तो जो एक्सटीरियर ऑफ ए होगा स्टूडेंट्स, यहां पर लिख लेते हैं, ये एक्सटीरियर ऑफ ए, अब वो कह रहा है कि ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, लार्जेस्ट स्टूडेंट्स सबसेट, ओपन सबसेट, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट, यानी ये एक कंप्लीमेंट से जो एक्सटीरियर ऑफ ए होगा वो एक लार्जेस्ट सबसेट होगा। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।